हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस और आप ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तमाम राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जहां तक बात कांग्रेस की है तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया, यानी कि एक भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटा। जहां तक टिकट बंटवारे का सवाल है तो इसमें साफ तौर पर हुड्डा कैंप का दबदबा नजर आ रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हुड्डा कैंप की वजह से ही हरियाणा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सारी संभावनाएं मिट्टी में मिल गई, जबकि राहुल गांधी प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जाहिर कर चुके थे। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आप दोनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। अब दोनों पार्टियां हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकेंगी। सूत्रों के माने तो हरियाणा कांग्रेस के सीएम चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से गठबंधन नहीं हो सका। ऐसे में कांग्रेस नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के उस अरमान पर ग्रहण लग गया जिसे वह 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में देख रहे थे। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी पूरी ताकत से अब अकेले चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से दोनों दलों में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सीटों की संख्या में सहमति नहीं बनने के कारण अब दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दोनों दलों में गठबंधन को लेकर कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर दोनों में सहमति नहीं बन सकी। आम आदमी पार्टी द्वारा लड़ी जाने वाले कुछ विधानसभा सीटों की संख्या को लेकर भी दोनों दलों में मतभेद थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से बातचीत करने वाले राघव चड्ढा जहां 10 सीट पर अड़े थे, वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। ऐसे में राहुल गांधी की उस कोशिश को झटका लगा जिसके तहत वे हरियाणा में आपके साथ गठबंधन करना चाहते थे। राहुल गांधी की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर थी। अगर हरियाणा में दोनों दलों के बीच गठबंधन होता तो दिल्ली का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो जाता। हरियाणा में जहां कांग्रेस मजबूत है तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मजबूत जनाधार है। आपको बता दें कि बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का दिल्ली में खाता नहीं खुल सका है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को अपनी 6 लिस्ट में 19 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने के बाद 7 लिस्ट में एक और उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। इस तरह पार्टी ने हरियाणा में सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी के साथ आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदें खत्म हो गई। पार्टी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसकी कोशिश है कि हरियाणा में भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई जाए।